यूनिट थर्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, उसमें हम ले रहे हैं फोर्थ चैप्टर मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म। मैग्नेट क्या होती है? मैग्नेट इज द डिवाइस दैट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड एंड इट अट्रैक्ट्स मैग्नेटिक मटेरियल्स लाइक आयरन, कोबाल्ट, निकल, जिसे हम फैकोनी कहते हैं। अब मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं कि दोज मटेरियल्स विच आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स लाइक आयरन, कोबाल्ट एंड निकल एट्सेट्रा। मैग्नेट में उसका मैग्नेटिज्म इम्पोर्टेंट होता है, जो कि उसकी प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से मैग्नेट मैग्नेटिक मटेरियल्स को अट्रैक्ट करते हैं। मैग्नेटिज्म इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेट ड्यू टू विच मैग्नेट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड एंड अट्रैक्ट्स मैग्नेटिक मटेरियल्स। देर आर टू टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स, नेचुरल मैग्नेट एंड आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। हम दोनों को अलग अलग डिस्कस कर रहे हैं। पहले हम ले रहे हैं नेचुरल मैग्नेट। अ नेचुरल मैग्नेट इज एन ओर ऑफ आयरन दैट अट्रैक्ट्स मैग्नेटिक मटेरियल टॉवर्ड्स इट। इसका केमिकल फॉर्मूला है Fe3O4। इसे लोडस्टोन भी कहते हैं और इसको मैग्नेटाइट भी कहते हैं। जनरली ये परमानेंट मैग्नेट्स होते हैं। अब बात करते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट्स की। आर्टिफिशियल मैग्नेट्स जो मैनमेड मैग्नेट्स होते हैं उन्हें आर्टिफिशियल मैग्नेट्स कहते हैं। ये भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं परमानेंट और दूसरे होते हैं टेम्पररी। ये हमेशा ही स्ट्रॉन्गर होते हैं इन कंपैरिजन टू दी नेचुरल मैग्नेट्स। इनका साइज शेप अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे बार मैग्नेट, हॉर्सू शेप एट्सेट्रा। हम पहले बात करते हैं टेम्पररी आर्टिफिशियल मैग्नेट्स की। दोज मैग्नेट्स हुज डी मैग्नेटाइजेशन इज ईजी, दैट इज दीज मैग्नेट लूज देयर मैग्नेटिज्म ईजीली। दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स एंड लूज देयर मैग्नेटिज्म बाय स्विचिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। दीज मैग्नेट्स यूज सॉफ्ट आयरन कोर एंड द कोर्सिविटी एंड द रिटेंटिविटी ऑफ दीज मटेरियल्स आर लो। सेकेंड इज परमानेंट आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। दोज मैग्नेट्स हुज डीमैग्नेटाइजेशन इज डिफिकल्ट, दैट इज दीज मैग्नेट्स डू नॉट लूज देयर मैग्नेटिज्म ईजीली। ऐसे जितने भी मैग्नेट जिनको डीमैग्नेटाइज करना आसान नहीं होता है वो परमानेंट मैग्नेट होते हैं। ये अल्निको से बने होते हैं, एल्यूमिनियम प्लस निकल प्लस कोबाल्ट, जिसे स्टेनलेस स्टील यानी इस्पात भी कहते हैं। इनकी कोर्सिविटी और रिटेंटिविटी है वो हाई होती है।